इसी को तो देखने आया था काफ़ी देर। लैंड रोवर वर्ल्ड में बहुत कम बच रही हैं और जिसमें 70 के आसपास यहाँ पर। हमारा प्लान था संदाकपू जाने का, लेकिन संदाकपू जा नहीं पा रहे हैं, वेदर काफ़ी डिफरेंट हो गया, बारिश हो रही है, तो यहाँ से दार्जिलिंग जाएंगे। क्या कुछ पता चला? सुबह ये है संदाकपू, यहाँ से 51 किलोमीटर जाने का, लेकिन हम लोग तो उस तरफ जा नहीं पाएंगे क्योंकि वेदर कुछ ऐसा हो गया है कि कंडीशन सही नहीं है जाने के लिए। तो थोड़ा दूर पैदल चलते हैं ऊपर में, और काफ़ी स्टिफ ये चढ़ाई है यहाँ से, काफ़ी तीखा, तो सारे गाड़ी एबल नहीं हो पाते हैं इस तरफ चढ़ने के लिए। तो स्पेशल जो यहाँ का पुराना लैंड रोवर है वही जाती है और कुछ इस तरह की गाड़ियाँ। पार्किंग काफ़ी अच्छी की हुई एकदम नज़दीक में कि दिक्कत नहीं हो आने वाले को। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, चित्रे 3 किलोमीटर, फालूत 52 किलोमीटर एंड संदाकपू 31 किलोमीटर। और ये देख सकते हैं वाटरफॉल से वाटर आ रहा है। काफ़ी पीसफुल एरिया है जी। इसको थोड़ा सा सीजन हम लोग अगर पीछे कर दें, जैसे कि अप्रैल के बाद है, तब यहाँ पर आना काफ़ी बेस्ट रहेगा, या फिर अप्रैल, मार्च, फरवरी, तो बेस्ट सीजन है इस तरफ। अभी तो बारिश का स्टार्ट हो गया, इतनी ज़्यादा धुंध है कि कुछ दिखेगा नहीं, कोई रेंज नहीं दिखेगा। और ये पूरा रास्ता ना नेपाल इंडिया, नेपाल इंडिया, नेपाल इंडिया होते रहता है, तो काफ़ी बेहतर लगेगा इधर ट्रैकिंग करना भी। देख सकते हैं कितना स्टिफ है चढ़ाई, और टर्निंग इस पर चलाना, गाड़ी चलाना खुद में काफ़ी मुश्किल है। सब थोड़ा सा फॉरेस्ट है यहाँ पर, चलते हैं। व्यू देखिए कितना खराब, पेड़ है, बारिश आ गई तेज। हम लोग चलते हैं नीचे, तेज बारिश से अम्ब्रेला हम लोगों ने नीचे ही छोड़ दिया और ये हमारी गलती है। चलते हैं धीरे धीरे, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी रुक जाती है, धूप आ जाती है। यहाँ का मौसम बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ भी पता नहीं चलेगा कब क्या हो सकता है, क्योंकि बादल कभी भी आते जाते हैं, जाते रहते हैं। माने भंजन ये जगह का नाम है। यहाँ से दार्जिलिंग 27 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 28 और सुखिया 7 किलोमीटर। तो ऐसा है कि यहाँ मॉर्निंग में यहाँ से दार्जिलिंग के लिए शेयरिंग मिलती है, नहीं तो फिर बाद में आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, और हम लोग तो शेयरिंग खोज रहे थे तो मिला नहीं, तो अभी जाएंगे यहाँ से सुखिया, सुखिया से फिर दार्जिलिंग, और वहाँ का देखते हैं मौसम कैसा है। यहाँ दूर दूर तक गांव काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, अगर सनराइज होता यहाँ तो काफ़ी और अच्छा लगता। और उस तरफ लगता है लैंड रोवर लगा हुआ है ना ऊपर में, चल के देखते हैं। तो ये नेपाल में जाता है लगता है रास्ता, ये नेपाल का रास्ता है, ये पूरा एरिया नेपाल में आता है, सिंगालीला नेशनल पार्क है। और इस तरफ देखिए गाड़ियाँ लगी हुई है, बोलेरो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, सब हैवी व्हीकल ही जा सकती हैं जो चढ़ने में पहाड़ों पर थोड़ा सा आसानी से चढ़ पाए, क्योंकि बारिश हो जा रही है, मौसम गलत चुन लिया हम लोगों ने, फिर भी ठीक है। मिरिक में काफ़ी अच्छा वेदर था लेकिन यहाँ बारिश हो रही है। यहाँ वाशरूम भी है और इस तरफ सारी गाड़ियाँ जो संदाकपू के लिए जाएंगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और ये है लैंड रोवर। यहाँ से नीचे का व्यू देख सकते हैं, हालांकि पूरा यहाँ पर डंप यार्ड है, साइड पूरा डंप किया हुआ है, और सामने गांव देख सकते हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्का धूप है, और पूरा रेंज दिखाई दे रहा है यहाँ से। चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं सुखिया की ओर, सुखिया सुखिया, वहाँ से फिर दार्जिलिंग। और यहाँ पर है दो लैंड रोवर और लगे हुए, ये है, ये है, ये लो ये लो, और ये है दोनों। एक बार मिरिक लेते चाहिए आप लोग।
क्या है ये जगह? सुकिया। सुकिया पहुंच गया, थोड़ा सा और आ गया। आप सिर्फ गिटारिस्ट हैं या फिर बजाते भी हैं, मतलब गाते भी हैं? ज्यादातर तो बैंड में गिटारिस्ट ही है, तो मेरा जो एक भैया है वो कभी कभी आता है, गिटार बजाता है, तो मैं नहीं जाता वहाँ। अच्छा, तो भैया गिटार ही है। तो एक गाना हो जाए, एक गाना हो जाए। कैसा गाना हो जाए? आप सुना सकते हैं जो रिकॉर्ड करेंगे? हाँ, रिकॉर्ड तो मेरा ऑन है। बाद में पता चला ना अभी आने वाला है, उसी टाइम भी पता रहता था मेरा भी ट्रैक भी है ना, गाना पे। अच्छा, ट्रैक पे ही गाते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, आपका वीडियो देख लूंगा। पूरी लाइफ है यार। बिल्कुल, किसी ना किसी दिन फिर फिर कर आएंगे मिरिक, तो आपसे मिलेंगे। आपका नंबर डाल दूंगा लिंक में मिरिक से इधर आने के लिए। ठीक है, और शुक्रिया में हमारा स्वागत है। और पूरा फॉग ही फॉग है तरफ, देख सकते हैं बहुत ही कम विजिबिलिटी है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो मेन रोड है, वहाँ से दार्जिलिंग जाता है, इधर मिरिक जाता है। ठीक है, तो मिरिक ना, हम लोग को तो वहाँ जाना होगा ना। हाँ, अगर आपको मिरिक से इस तरफ के साइट सीन करने हैं मानी भंजन के, तो मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा विराज जी का, और यही गाड़ी है, आप इसे आ सकते हैं। तो थैंक्स हो जाने के लिए, और लिंक मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। ओके बाय। और हम लोग आ चुके हैं, कौन सा प्लेस है पसंद? सुकिया। सुकिया में, सुकिया में ये देखिए कितना ज़्यादा फॉग है। और यहाँ से हम लोग घूम या फिर दार्जिलिंग का शेयरिंग टैक्सी लेंगे, आगे चलते हैं, वहाँ पर पूछते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दार्जिलिंग, और अनफॉर्चुनेटली मेरा यहां पर पहुंचने के बाद वाला ऑडियो मिसिंग हो गया है कुछ टेक्निकल इशू के कारण, और मैं रास्ते में सो गया था, तो वो वीडियो भी मैंने शूट नहीं किया है। इलेक्शन काउंटिंग की वजह से आज यहां साइड सीन बंद है, तो हम लोग पैदल ही घूम रहे हैं। बसेस जा रही है NVST की यहां से सिलीगुड़ी के लिए, और ऊपर में है मॉल रोड, हम लोग उधर नहीं अभी जाते हैं। और फाइनली मैंने यहाँ पर रूम ले लिया है दार्जिलिंग में, और वो सेम रूम है जो मैंने 2 साल पहले लिया था। एक्चुअली काफ़ी ढूंढने पर भी इस रेंज में, एक अफोर्डेबल रेंज में इतना अच्छा मतलब रूम नहीं मिल पा रहा था इस बार, और सारे रूम फुल हैं अभी, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है इस ओर। तो यहीं पर स्टे कर रहा हूँ होटल में फेयर, और वो है सामने व्यू, और ये तो होटल रमाडा, इसके जस्ट सामने है मॉल रोड। तो इस प्राइम लोकेशन पे एक अच्छे प्राइस रेंज में रूम मिलना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए हम लोगों ने इसी को अप्रोच किया, और ये भी ठीक ठाक है, स्पेशियस रूम है। एक्चुअली हम लोगों ने पुराना अपना रिकॉर्ड बताया कि हम लोग यहाँ आए थे, तो लोगों ने डिस्काउंट दे दिया। और ये है रूम, एक बेड ये और एक बेड ये, इस तरफ बंदा सोया हुआ है, और वाशरूम ठीक ठाक है। और ये प्राइस सिर्फ 1400 पड़ा, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए अब यहाँ से चलेंगे हम लोग कुछ देर बाद, फ्रेश अप होने के बाद आगे चौरस्ता। हेलो एवरीवन, स्वागत है आज सुबह में 5 तारीख के, और इस वक्त मैं हूँ घंटाघर के सामने दार्जिलिंग, और हम लोग जाने वाले हैं साइट सीन पे, लोकल नहीं सिक्किम। तो कुछ सरप्राइज है, देखिएगा।